बताए 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 भैया तुम्हारी वैसा कभी वैकेंसी का पीछे ना हाँ उसी के लिए भाई संपर्क मैंने बताया था उनका भाई हम लोग क्या करते हैं मैं बिल्कुल भैया जरूरी है। शुभ नाम आपका भाई साहब? हमारा नाम तो मसूद नाम है। हाँ मसूद मसूद। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भाई? अजीत सिंह। अजीत सिंह भाई भाई राहुल अच्छा होना किसका ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजी। मोहम्मद रजी आ रहे थे भाई। मोहम्मद रजी इतनी बेरोजगारी है भैया। वही बात बेरोजगारी की नहीं सर अभी तो बात करने आए पहले बात क्लियर हो जाए तब फिर करवाते हैं। बताए बताइए भाई आप आगे होंगे फ्रंट पर बैठे आई बोले हम तो आगे भाई को बुलाया था हमसे बात करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं पहली बार वो स्कैन करके वो सारा मेरे आईडी पे फॉरवर्ड किया है कि नहीं? अच्छा ये भैया मान लीजिए जैसे अभी कुछ लोग डॉक्यूमेंट नहीं अप्लाई किए हैं उनका कैसे होगा? नहीं अप्लाई सब लोग कर दो भाई देखो क्लियर कट सी बात है काम ही नहीं क्योंकि उनके लिए डाटा बेस पैसे रखती है जैसे हमने 800 मांगा वो 500 दे दिए लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया तब काम हो गई ये पानी उनके लिए समझ रहे हैं उसको बकायदा स्कैंड कॉपी सारा कुछ उसको अप्लाई कर दीजिए क्योंकि वहां से भी कॉल आएगा जो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बाकी दोनों साइड से जोर लगाना पड़ेगा सबका। देखिए भैया मेहनत के रूप में तो आपकी सिर्फ मेहनत लगी लेकिन जुगाड़ वाले काम में रिस्क और पैसा दोनों लगता है क्लियर कट सी बात है। हमारे जैसे 50 लोग वहाँ पे जुगाड़ लगा सकते हैं लखनऊ में बैठे हुए आज आप भीड़ देखी ना अरे बड़ी भीड़ है भैया वहाँ पे देखी आज बोल रहे हैं कैंसिल हो गया नहीं कैंसिल हो गया था वो कहता पुलिस था भी कल परसों दो दिन कंटिन्यू हुई थी कल 10 बच्चों का कराया माली के लिए जो होता है आज सबकी लिस्ट जाएगी भाई जो जैसे पैसा पहुंचा देगा ही पैसा किसी को नहीं काट रहा ये देखिए साफ साफ। अच्छा ये भैया ये आज किसकी आज किसकी होनी है वैकेंसी? आज ही असिस्टेंट क्लर्क वगैरह जितने भी बचे हुए पत्ते हैं सफाई कर्मी छोड़ अच्छा माली सफाई कर्मी में क्लियर हो गया ना वो 25-26 था। अच्छा ये देखिए माली सफाई कर्मी में बाई चांस अगर कुछ सिस्टम बने तो 2-3 लड़के माली सफाई कर्मी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उसी से काम से रिलेटेड भाई जिसने कहीं माली देखो मेरी बात प्रैक्टिकल समझो पुलिस में वो नहीं है जिसने कहीं 1-2 साल का एक्सपीरियंस दिखाया था ना मैंने इस गार्डन में काम किया मैंने यहाँ सफाई की तो सफाई कर्मी में सारा कौन सा एक्सपीरियंस कौन दिखा रहा है वो गलत चीज है इसीलिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात कर रहा है बाकी माली सफाई के लिए दे देना भाई पेमेंट की श्योरिटी रखना देखो क्योंकि माली सफाई कर्मी में कितना लग रहा है वो सबका वही रेट है मेरे को 20-25 उनकी सैलरी पर डे के हिसाब से 544 रूपए 554 रूपए 576 रूपए 770 रूपए 1500-1600 मतलब हाँ जी मान 13-14-15 25,000 सफाई वाले में नहीं क्लर्क में 20-25 उसे कितना देना पड़ेगा पैसा आप 25 टोटल एडवांस होता है फॉरवर्डिंग के अमाउंट होता है ठीक है भैया मतलब सैलरी क्या बताया सैलरी पर डे देखो ना उसमें क्या बता रहे क्लर्क वाले में सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको देखिए भैया क्षत्रिय श्रेणी जो स्किल्ड होंगे 764 रूपए 1/4/2020 तक थी अभी 777 हो गई है ठीक रिवाइज हुई है 600 रूपए पर डे की अरे 25 दिन ही दुकान करेगा 3-4-5 दिन बंद ही थोड़ा रहेगा कंपनी इतनी जो टेंडर ली बेवकूफ थोड़ी ना यही सब तो पैसा बचाएगी होगा भाई सीधी सी बात है अगले ने 1.5-2 करोड़ रुपया देकर कुलपति को टेंडर लिया होगा सीधी सी बात प्रैक्टिकल समझ अब उसको वो बिजनेस है देखो यार प्योर बिजनेस है कुलदीप यार गलत कह रहा है अभी भैया मान लीजिए टेंडर ले देना नगर निगम का सफाई का इन्होंने उठा लिया ठेका ठीक है तो ये अपने अंडर में जो बंदे रखे होंगे तो उनको भरपाई करनी होगी ना कहीं ना कहीं से भाई देखो प्योर बिजनेस है हर जगह। अच्छा ये एक छोटा सा एग्जाम्पल सरकारी का दे देता हूँ कप्तान यानी पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है
हर थाने का अपना अलग अलग रेट है। शंकरगढ़ में पोस्टिंग चाहिए ये रेट है, या भोजपुर चाहिए ये रेट है, सिविल लाइन चाहिए ये रेट है, तो हर जगह इसका गाली जी चलते हैं भाई। सही बात। अच्छा ये इलेक्ट्रीशियन वाले भी कितना चल रहा है भाई उसका नहीं पता, जिस बारे में आइडिया नहीं उस बारे में क्यों बोल, जिस बारे में काम ही नहीं कर रहा है। नहीं नहीं आज जो होनी थी हमारे पास सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क, पता ही नहीं किया इसके लिए, मतलब कोई बात ही नहीं है, तो मतलब कुल मिला आपके पास ऑफिस असिस्टेंट का और क्लर्क वाला काम, बस समझ सकते हैं बस हमारी उधर। तो उसमें सब मान लीजिए आपको कितना देना पड़ेगा टोटल? 25 तो एडवांस करना पड़ेगा, बाकी भैया ने जो बताया होगा 40। अब जो कितना बताएंगे भैया? टोटल 40 बताया था। टोटल 40 हाँ ठीक है, 25 की क्योंकि मुझे देना ही देना है। अच्छा ये टेंडर कितने साल का है भैया? संविदा 11 महीने की होती है, 11 महीने बाद फिर रिन्यूअल होती है। रिन्यूअल होगी वो काम से शपथ में, मतलब कभी भी निकाल सकते हैं ऐसा नहीं। बताइए 40,000 रुपए अगर व्यक्ति देकर उसको 2 महीने बाद निकाल दें भैया, ये तो आपके ऐसे नहीं होगा। 2 महीने तो डर रहेगा, जब तक 2 महीने बाद तो हमारा पैसा निकल आएगा। आप काम नहीं करेंगे सर, ये सब कोई नहीं करता। देखिए अब जहाँ रह गया काम के ऊपर, हमारी बात तो सुनिए, काम के ऊपर आपको धूप खुशी मिलती है, लिखा रहता है क्लॉज कि आपके क्या करेंगे उपयोग, आपके साथ कार्रवाई की जा सकती कंपनी के द्वारा, और जब भी कंपनी कार्रवाई करती है तो दो बार आपको लिखित नोटिस देती है, आपसे लिखित जवाब मांगती है। ऐसा नहीं होता कि मिस्टर रंगी राजी कर्जे बता रहा भाग जाओ, ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी निकालती है तो नोटिस पीरियड दे के निकालती है, गलती सुधारने का मौका देती है। अब आप गलती करते पकड़े जाए, चोरी में पकड़े जाए, पैसा खाते पकड़े जाए, कुछ किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार में पकड़े जाए तो 100% निकाल देगी कंपनी का काम न करो, उनसे टारगेट न पूरा हो। भाई सीधी सी बात है कि यूनिवर्सिटी में भाई आप ही मतलब वहाँ देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं हमारे माध्यम से, एक और जो मेल है वो भी दिखा रहे हैं, वो लखनऊ में से पहुँच रहे हैं, कल ही से लखनऊ में डटे थे, कल रात को फिर आ गए थे, आज फिर गए लखनऊ। देखिए भैया क्लियर कट सी बात है, डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट दिखा दीजिएगा, ठीक है मैं आगे नाम फॉरवर्ड कर दूंगा, जब वहाँ पे ओके हो जाएंगे कि हाँ भैया पेमेंट इनकी मोहम्मद राजी की पेमेंट, ठीक है भैया ये भैया इनकी पेमेंट, इनका पैसे क्या होना है आगे। अच्छा मतलब जिसे आपको पैसे नहीं यहाँ पे कर दिए, ऐसा हमें नहीं चाहिए भाई, हमें भी तो किसी को देना नहीं, मतलब देंगे तो आप ही के हाथ में, हम तो आपको देंगे आप ही दे दीजिएगा, पैसे दिए आपको देंगे तो हम आप ही को जानते हैं। ना ना वो बात नहीं, जिसे पैसे दिया गया उसके बाद में भाई अपना डॉक्यूमेंट लगा के इंटरव्यू में गए, मतलब क्या पक्का हो जाएगा इनका कि उसके बाद में कुछ यहाँ पे पेमेंट दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया हमें आपने, आपकी फाइल मैंने वहाँ भिजवा दी, इसके बाद सपोज करिए वहाँ से कॉल आएगा, अगर नहीं भी आता है तो आप वॉकिंग करने जाओगे अपना दोगे, कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा गया है अंदर, जो बंदा ले रहा होगा इंटरव्यू, जो वॉकिंग कलेक्शन कर रहा होगा, ठीक है उसके पास पहुंच जाएगा काम काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पैसा मतलब बाकी हाँ ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं सारा। देखो यार हर बंदा कमाने के लिए बैठा है, ऐसी बात है, 2 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने टेंडर लिया एटीपी वाली चीज में, आज मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ और क्या हल्के में ले रहे हैं क्या? विश्वविद्यालय दिए हैं तो करोड़ कुलपति को दिए होंगे, कुल सचिव को दिए होंगे, बंदे भी को लगाने हैं, और एक बंदे तो महीने में मात्र 1,000 रुपए बचे हैं सैलरी, तो 371,000 का हर महीने की कमाई है 11 महीने। कितना कितना एक आप टोटल मारो ना सीधे से, 300 1,000 पर डे पर मंथ ऑन एवरेज। अच्छा हाँ वो कमी समझिए समझिए, हर महीने की अगर कमाएंगे जो हम 300 बंदों को रखेंगे, रखने के नाम पे जो ले लेंगे वो देगा, मतलब कि आपको पहले 20 एडवांस दे दें, उसके बाद होने के बाद फिर 20, ठीक सीधा सही है भाई, भैया के पास पेमेंट करा दीजिएगा डॉक्टर। भैया अपना नाम क्या बोलेगा? अपना वो दे दीजिए विजिटिंग कार्ड वगैरह। देखो भाई सीधा सा सेफ गेम है, डंडना डंडन, ठीक है भैया, सीधा काम होना चाहिए बस, काम हो गए। दो चीजें फिर से ध्यान समझ लीजिए, 100% काम की गारंटी हम नहीं दे सकते क्योंकि हम पति या पत्नी को नहीं करवा दिया, राइट?
99.9% हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका पैसा हमने दिया है तो हम काम करा दें, क्योंकि आपके पैसे से ही हम कमा रहे हैं, आपके पैसे से ही ऑफिस चला रहे हैं, आपके पैसे से घर चला रहे हैं। बड़ी साफ बात है, काम नहीं होगा उन स्थितियों में आपका पैसा वापिस होगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। मैं आपका एक काम कराऊंगा ना, आप 3 करोड़ पांच पांच लड़के भी देंगे तो 15-20 लड़के हो गए कि नहीं यार जाओगे एंटी मेरी एक पता काम करा दे। तो हम लोग जो पैसे कमाते हैं वो काम कराने कमाते हैं, और अंत तक जब तक काम ना हो जाए क्योंकि हम गारंटी नहीं, प्रयास कि जिस प्रयास को आप नहीं कर पा रहे हैं, जिस कोशिश को आप नहीं कर पा रहे हैं, उस कोशिश को हम करने में मैं ये जानना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय से आपकी वार्ता हुई है कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं? विश्वविद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई, तो कंपनी से मतलब ना, विश्वविद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है, मेरी बात समझो आप, विश्वविद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है। एक मिनट, मैं सीधा से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का सपोज करिए देख रेख का काम मोहम्मद राजी भाई को दे दिया, मोहम्मद राजी के ऊपर है ना कि इस बिल्डिंग की देख रेख के लिए 2 लड़के रखे, 4 लड़के रखे या 1 लड़का रखे, वो तो आपके ऊपर है ना, तो यही सारा टेंडर रखे। अब सारी जगह यही प्राइवेटाइजेशन इसी देखते है ना, 5 साल बाद रेलवे में भी यही हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट को सस्ता पड़ेगा ना, ना पेंशन का झंझट, ना वर्कलोड का, प्राइवेट आदमी देखिए कितना काम करता है। एक इनके भाई का करवाना है ठीक, और इनके 2 रिश्तेदार हैं। देखिए भैया नगर निगम चल रहा है, आप 8 बच्चे विश्वविद्यालय में कराना है, देखिए भैया सर मेरे पर्यवेक्षक घर घर जाके पढ़े, उसको 55 साल घरों का फोटो खींचनी है और एड्रेस नोट करना है, और 14-15 हजार विश्वविद्यालय वाला भैया क्लियर कर दिया। देखिए भैया विश्वविद्यालय वाले के लिए भैया ने जैसा बताया है पूरा 100% अपनी तरफ से प्रयास है, 99.9। देखिए जिसकी पेमेंट पहले बहुत क्योंकि जो मैं जिनके माध्यम से मैं करवा रहा हूँ, नहीं मैं 20 में सुनते हो, चालीस दिन तैयार नहीं काम हूँ, लेट मी कम्प्लीट फर्स्ट, पहले मैं कम्प्लीट कर लेंगे, इनके माध्यम से मैं काम कर जाहिर किया तो उनके भी ट्रस्ट में डायरेक्ट बंदे होंगे, मेरी बात समझते जाइए, मैं आपसे अगर काम करा रहा हूँ उनके पहले अगर बंदे हो गए भाई वो अपना डायरेक्ट पैसा ज्यादा उठाना चाहेगा ना, इसीलिए कम काम दूंगा, सॉलिड वाला काम दूंगा, नहीं होगा काम भैया के पास अभी है काम करिए, उनका काम नहीं हो पा रहा है, ये लीजिए उनकी पेमेंट। काम आप तभी करा पाएंगे जब विश्वविद्यालय के संपर्क में आ पाएंगे, काम तभी हो पाएगा जब अगले की पेमेंट पहुंच जाएगी, ये पेमेंट ये डॉक्यूमेंट, ये भैया मोहम्मद राजी, ये भैया विनय कुमार, ये भैया रवि कुमार माली के लिए, ये भैया ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ये रहा उनका डॉक्यूमेंट, बस सीधी सी बात, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि होने बाद 20 ग्यारह बजे तो हराम में रहेगा, 11 बजे एग्रीमेंट हो, 11 बजे तो मुझे निकाल दूंगा, मतलब 11 बजे उसके बाद रिन्यूअल हो आपके और कंपनी के काम रिन्यूअल 300 बंदे हैं, और 3 दिन के बाद आपकी आपस में जान पहचान और दोस्ती 300 की 300 भी हो जाती है ठीक। आप 3 लोग बैठे हैं अचानक से एक साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दो, आप दोनों में सब क्या करेंगे, और वो कितना जब आप 300 हो तो वे सब क्या करोगे। हाँ अगर आप 2 में से ये गलत कर दिया तो आप दोनों भी मेरे साथ खड़े हो और आप इसको डॉक्टर ऑफिस के बाहर लगा दो, दोबारा तुम्हारे कारण मेरी झूठी नहीं है, लेकिन मैं ऐसी गलत बातें करूंगा ना, गलत आश्वासन में काम करा दूंगा ना, तो कोई मैं दुश्मन हो जाएगा, आने वाले 20 कैंड को रोकेगा नहीं।